आदिवासी समाज का कोमाखान में विशाल धरना प्रदर्शन। राजा थेन्द्र प्रताप के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आदिवासी समाज आक्रोशित। कोमाखान में आज आदिवासी समाज का विशाल धरना प्रदर्शन एवं ऐतिहासिक रैली देखने को मिली। बता दें 250 वर्ष से भी अधिक प्राचीनों में ऐतिहासिक राधा कृष्ण जगन्नाथ हनुमान मंदिर के चोरी हुए मुकुटों के कार्यवाही की विशेष जांच की मांग एवं सुवर मालगढ़ के राज परिवार के सदस्य के साथ हुए जाति सूचक टिकट टिप्पणी एवं जान से मारने की धमकी पर महंत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अमात गोड़ समाज अठारहगढ़ सुवर माल राज एवं राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में सर्व समाज के द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया गया। गढ़ मंडला की रानी वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत रानी दुर्गावती एवं राज परिवार के पूर्वजों के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राज परिवार के सदस्य राजा थेन्द्र प्रताप ने अपने स्वागत उद्बोधन के दौरान सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए राधा कृष्ण मंदिर सुवर मालगढ़ के इतिहास एवं संपूर्ण घटनाक्रम से सर्व समाज के उपस्थित जनों को अवगत कराया। वहीं सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी महंत के मामले में जांच में की गई लापरवाही पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर महासमुंद के नाम पर SDM बागबाहरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के उपरांत आदिवासी समाज की ऐतिहासिक और विशाल रैली देखने को मिली, जिसमें कई हजारों की संख्या में विभिन्न ग्रामों से पहुंचे हुए लोगों ने कोमाखान नगर भ्रमण करते हुए मुकुट लाओ महंत भगाओ एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान इत्यादि गगनभेदी नारों के साथ राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर से महंत को नजारत पाकर पुलिस प्रशासन के समक्ष नारेबाजी करते हुए महंत के समानों को मंदिर परिसर से बाहर फेंकने की मांग करने लगे। इस दौरान प्रशासन और आंदोलनकारियों के मध्य तनातनी चलती रही। अंत में प्रशासन के बहुत समझाने एवं मान मनोवल तथा कार्यवाही के आश्वासन के पश्चात आंदोलनकर्ता मंदिर से वापस हुए। आइए इस विषय में बात करते हैं बागबाहरा SDM से, फिर बात करेंगे राज परिवार की सदस्य रानी अनुभा सिंह से एवं आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष मनोहर ठाकुर से। कोमाखान में एक प्राचीन मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे अव्यवस्था को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जो गोंड आदिवासी समाज के सम्मानी जो सदस्य है और जो आम जनता है, उनके द्वारा वहाँ के पुजारी के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है या मंदिर के संपत्ति है उसका कुप्रबंधन, मतलब उस संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है और मुकुट चोरी संबंधी मामले, इस प्रकार के कई मामले हैं जिसमें ये आदिवासी समुदाय, जो गोंड समाज के आदिवासी समुदाय के जो नागरिक है, वो बहुत असंतुष्ट है और वो जो शासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग कर रहे हैं इस विषय पर। और उनका कहना है कि ये मुकुट चोरी के मुद्दे पे जो है शीघ्र गिरफ्तारी हो और मुकुट की बरामदगी सिद्ध हो, शीघ्र किया जाए, इसी संबंध में इनके द्वारा आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और जो जिन मांगों के आधार पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, क्या रही वो मांगे? मांगों में तो मुख्यतः जैसे कि आपको पहले बताया कि मंदिर के कुप्रबंध है और राजा साहब से उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर थाने स्तर पर शीघ्र कार्यवाही जो है पुलिस द्वारा किया जाए और प्रशासन उसको तत्परता से ले, इसी संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलन का पहला उद्देश्य ये है कि हमारे मुकुट का बंद कर दो जी, आप बोलते हैं बेटा के पास से बेटा बोलता है जी, दोनों की पट्टी नहीं थी, अब उसके बाद दोनों बाप बेटा एक हो गए, है ना। अभी देखते हैं इतने आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ है किस वजह से जी, एक मुद्दा है ना, हमारे मिस्टर के ऊपर ये धमकी चमकी चल रहा है कि जान से मार देंगे आपको, परिणाम गंभीर रूप लोगे जी जी, ये सब एक मुद्दा है, उसको देखिए आप जी, एक साल से कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी, एक दौरा मार रहे हैं बाप मार रहा है वहाँ जी, पुलिस वाले से जी, हम लोग सब सारे आदिवासी समाज की इकट्ठा की जी जी, किन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? तो हमारे मिस्टर के ऊपर में जान से मारने की धमकी आई है जी, प्रमुख के ऊपर में सर्वाधरोसन का नाम हटाइए जी, ये और वो बोलता है मंदिर तेरे मेरे दादा पूर्वज लोग बनाए बनाए थे करके जी, दादा कहाँ से बनाए थे, आप कभी भी किसी के आस पास कितने भी गांव से पूछिए, ये मंदिर का निर्माण कौन करवाया जी। तो भीड़ पिछले एक साल से राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान के पांचों मुकुट चांदी के बेशकीमती मुकुट गायब पाया गया है और जिस पर
महंत द्वारा अपने पिताजी के पास रहना भी बताया गया है, उसके बावजूद FIR होने के पश्चात भी उस मुकुट के बरामदगी आज तक नहीं हो पाया, जिसका दर्द आदिवासी समाज और इस क्षेत्र के हर लोग पीड़ा है और उस पीड़ा का नतीजा आज यहाँ देखने को मिल रहा है। और एक अच्छे लोगों द्वारा क्षेत्र के इस मुकुट को प्राप्ति करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजा साहब को फोन करके धमकी दिया जाना, उनको जान से मारने की धमकी देना, उनको आदिवासी गोंड समाज के जाति सूचक अनर्गल बात करना, गाली गलौज करना, उसके बावजूद उस पर एट्रोसिटी एक्ट कायम नहीं किया जाना, ये दुर्भाग्यजनक बात है। और मुकुट के इस तरह से गायब होना केवल राजमहल और के ही बात नहीं है, बल्कि पूरा क्षेत्र के अपमान हुआ है, ये गौरव हमारा जा रहा है, स्वर्णमालगढ़ का इसमें नामोनिशान मिटने के कगार में आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें तत्काल कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार करे, मुकुट को हमको बरामदगी दे, ताकि 1 जुलाई को रथ यात्रा में हमारे राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान उस मुकुट के साथ यहाँ भव्य शोभा यात्रा रथ यात्रा में निकले, ये हमारा कहना है।